आज की इस दो दिवसीय बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हमारी वर्कशॉप हो रही है, कंसल्टेशन ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा विधानसभा के हमारे स्पीकर और स्थानीय विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, होम सेक्रेटरी हरियाणा सरकार श्री विजयवर्धन जी, हमारे डीजीपी श्री मनोज यादव जी, भारतीय पुलिस फाउंडेशन के चेयरमैन श्री एम रामचंद्रन जी, अन्य सभी पुलिस अधिकारीगण व सभी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिगण, पत्रकार छायाकार मित्रों, उपस्थित सभी बंधुओं, आज की ये जो सेमिनार या जिसको कहना चाहिए वर्कशॉप, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिसको कहना चाहिए एक संवेदनशील विषय है। मुझे तो आभास हुआ जब 63 महीने पहले पहली बार सत्ता को चलाने का एक मौका हरियाणा की जनता ने दिया, उस समय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला कार्यक्रम हरियाणा में जो किया, उनका बहुत जिसको कहना चाहिए हमारे सत्ता संभालने के तुरंत बाद एक फोन आया कि हरियाणा में बड़ी समस्या है गिरता हुआ महिलाओं का जो जेंडर रेशो, इसको संभालने के लिए, वैसे तो देश भर की समस्या है लेकिन हरियाणा से इसको हमको संभालना शुरू करना चाहिए। मैंने पूछा कि इसके लिए हमको क्या करना है, कहने सबसे बड़ा जागरूकता का एक बड़ा कार्यक्रम और मैं हरियाणा से इसमें एक बड़े सम्मेलन के माध्यम से करना चाहता हूँ। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में लगभग 100,000, जिसमें अधिकांश महिलाएं थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो शुरू किया गया, देश भर इस अभियान को शुरू किया। हरियाणा में 2011 में जेंडर रेशो 830 थी, हमने उस पर काम करना शुरू किया। बहुत से प्रयत्न करने के बाद, जिसमें सरकारी विभाग, जिसमें शिक्षा विभाग, होम डिपार्टमेंट, बाल कल्याण विभाग, महिला बाल कल्याण और एनजीओस, बहुत से संगठन, सब लोगों ने प्रयत्न किया और आज मुझे बताते हुए ये हर्ष है कि हमारी वो जो जेंडर रेशो 2011 में जो 830 थी, आज 2019 में हम 922 को टच कर गए हैं। लगातार इस पर काम हुए हैं, जन जागरण भी हुआ, कोर्स मेथड्स भी लेने पड़े, सख्ती भी की, एफआईआर की, कुछ लोगों को जो गलत तरीके अपनाते थे, भ्रूण हत्या जैसा एक घिनौना काम भी करते थे, ऐसे लोगों पर छापे लगाकर अल्ट्रासाउंड की जो यानी एक आड़ लेकर और इस काम को जो अंजाम देते थे, न केवल हरियाणा में बल्कि पास पड़ोस के जो जिले हैं अन्य राज्यों के, वहाँ भी हमने दबिश की और बहुत से एफआईआर केसेस ये सब किए। एक ऐसे गलत कामों के मन में एक डर का वातावरण भी बैठा है और समाज में भी, जो समाज बेटी को, लड़की को एक बोझ मानता था, आज उनके मन में भी उसी प्रकार का एक भाव जागृत होता है जैसे लड़के के पैदा होने पर होता है। घर के छत के ऊपर चढ़कर के थाली भी बजाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, छठ यानी कुआं पूजन का भी कार्यक्रम वो उसमें होता है जैसे लड़कों के जन्म पर होता। तो एक अच्छा एक वातावरण हरियाणा में बना है। आज हम महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ जो और प्रयत्न किए हैं उसके बारे में आप लोगों को कल बताया भी गया होगा, आज भी उसकी चर्चा थोड़ी बहुत करना जरूर चाहूँगा। सबसे पहले ध्यान में आता है कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, उन अपराध को बताने के लिए भी महिलाओं में हिम्मत होती नहीं थी और कई बार संकोच भी कर जाती थी, पीड़ा भी होती थी। कहीं कहीं तो ऐसे भी विषय ध्यान में आते थे कि महिलाएं बिना बताए संकोच या भय या सब कुछ वातावरण जो होता था उसमें से सुसाइड जैसे केस हो जाते थे। तो महिलाएं अपनी बात खुल करके कहें, इसके लिए हमने महिलाओं के थाने का जो प्रयोग शुरू किया, पहला थाना
रक्षाबंधन 2016 को हमने खोला, इसी पंचकुला से शुरू किया था। आज 34 महिलाओं के थाने खुल चुके हैं और हरियाणा मेरा ख्याल ये पहला प्रदेश होना चाहिए, रामचंद्र जी इसमें ठीक से बताएंगे, जितने इतनी संख्या में जो महिलाओं के अलग से थाने हैं, वहाँ रिपोर्ट लिखने वाली भी महिला, वहाँ इन्वेस्टिगेट करने वाली भी महिला, पुलिस इंस्पेक्टर अधिकारी सब महिलाएं हैं। तो इस नाते से एक महिलाओं में एक झिझक खुल गई और हमने एक आह्वान किया था, अब न सही है खुल के कही है, अब सहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए महिलाओं में एक विश्वास जागृत हुआ और उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुआ तो उसको जाकर रिपोर्ट करना शुरू किया। पुलिस अधिकारियों को भी एक निर्देश भी दिया हमने, क्योंकि एक शिकायत मिलती थी कि हमारा जो अपराध तो हो गया लेकिन हमारी कंप्लेंट किसी ने रिपोर्ट नहीं की, किसी ने लिखी नहीं है। थानों में एक शिकायत मिलती थी कि वहाँ FIR लिखने के लिए आनाकानी की जाती है। मुझे याद है वाक्य DGP को मैंने कहा, नॉट टू रजिस्टर अ क्राइम वुड अमाउंट टू अनदर क्राइम। इसलिए पुलिस अधिकारी को भी या पुलिस का जो FIR लिखने वाला वहाँ जो SHO बैठा है उसको भी बताना पड़ेगा कि आप कोई भी क्राइम रिपोर्ट होता तो उसको करिए, मत डरिए कि इससे संख्या बढ़ जाएगी, वो दुष्परिणाम होगा तो पॉलिटिकल नुकसान होना होगा, हमको हो जाएगा। हमने देश भर में आह्वान किया कि हम हर क्राइम को रिपोर्ट जरूर करेंगे। एक इसके कारण से अचानक मानो क्राइम की संख्या दिखेगी, क्राइम तो जो पहले हो रहा है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्टिंग ना होने के कारण से प्रदेशों में घोड़ लगी है कि हमारा क्राइम कम हो गया, हमारा क्राइम कम हो गया। वास्तव में क्राइम रिपोर्ट न करने से कम नहीं होता, उसके लिए तो और मेथड जो क्राइम कम करने के लिए हमको करना पड़ेगा, हम कर भी रहे हैं, लेकिन नॉट टू रिपोर्ट द क्राइम अगेन इट अमाउंट्स टू क्राइम। जिसके कारण से हमें थोड़ा सा एक नेशनल लेवल पर ये कहा जाने लगा कि हरियाणा में क्राइम बहुत बढ़ गया है, क्यों रिपोर्टिंग पूरी होने लग गई। आज मैं तो ये कहूँगा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो, हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनको एक अध्ययन और भी कराना चाहिए कि कितने लोग सेटिस्फाइड हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम से। अगर लोग सेटिस्फाइड ही नहीं है रजिस्ट्रेशन से तो फिर उसमें आंकड़ा तो कम ज़्यादा होगा ही, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की। अभी आज ही एक पेपर ने छापा कि हरियाणा जो है वो थर्ड नंबर पर है, नंबर पर है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। वो क्यों है? वो इसलिए कि हमारी रिपोर्टिंग पूरी होती है। बहुत राज्य ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आज भी डिस्करेज किया जाता है थानों में कि रिपोर्ट मत करिए। रिपोर्ट आएगी तभी उसका कोई ना कोई हल ढूंढा जाएगा, तो हल ढूंढने के लिए हमने सब काम किए, महिला थाने किए। महिलाओं की संख्या पुलिस में, पुलिस बल हमारे मात्र 6% था, कल ही पासिंग आउट परेड के अंदर 1000 महिला कॉन्स्टेबल को और हमने पास आउट में आगे बढ़ाया है, तो आज 10% के लगभग हम उसको टच करने जा रहे हैं महिलाओं की संख्या 5 साल में, यानी एकदम डबल नहीं तो कम से कम 80% इंक्रीज हमारा महिलाओं की संख्या में हुआ है। एंड वी हैव अ टारगेट टू रेज इट टू 15% इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे ताकि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो एक विश्वास जागृत होगा, उन महिलाओं को ही हम ऐसे क्राइम को रोकने के लिए आह्वान करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक समय ऐसा था कि महिला कर्मी जो पुलिस की थी, हमको शिकायतें मिलती थी कि पुलिस स्टेशन्स में, पुलिस लाइंस में वो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी क्योंकि संख्या कम थी। संख्या बढ़ेगी तो कम से कम एक वातावरण सब तरफ ठीक होगा, यानी बड़ी हताशा की बात है कि पुलिस महिला कर्मी खुद सुरक्षित नहीं है, ये बड़ी हताशा की बात थी। लेकिन 5 साल के अंदर इतना अंतर आया है कि अभी कुछ दिन पहले हमारी IG सामने बैठी भारती अरोड़ा, इनको किन्हीं कारणों से संयोग से 5 साल के बाद दोबारा फील्ड में काम करने का अवसर मिला, तो ये बता रही थी कि 5 साल में इतना बड़ा अंतर पुलिस के सिस्टम में आया है। शी टोल्ड मी दैट शी कुड इमेजिन, इज इट सो? तो प्रत्यक्ष उदाहरण, हमने उसको परिवर्तन करने में हर प्रकार की सुविधाएं पुलिस को बाकी, और महिलाओं की सुरक्षा के नाते विशेष जो पग उठाए हैं। पुलिस की सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए लेकिन जन जागरण भी होना चाहिए, उसमें शिक्षा ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। महिला यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पढ़ाने के लिए कॉलेजेस, हरियाणा में हमने तय किया कि चाहे स्कूल की शिक्षा हो चाहे हायर एजुकेशन हो, कॉलेजेस संख्या बहुत कम थी, हमने महिला कॉलेज हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक महिला कॉलेज जरूर हो
31 कॉलेजेस जो पहले पिछले 48 साल में हरियाणा में 31 थे, इन 5 सालों में नेक्स्ट 31 महिला कॉलेजेस और खोले गए हैं, डबल संख्या हमने की है, ताकि लड़कियों को बच्चियों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। पढ़ने से जन जागरण होता है, तो जागृति बच्चों में महिलाओं में उस नाते से आए, तो हमने महिलाओं के सशक्तिकरण का, महिला एम्पावरमेंट का हर प्रकार के काम, उनको कैसे हम यानी स्किलिंग के माध्यम से उनको ट्रेंड करें ताकि अपना रोजगार, इसके लिए भी उनको अवसर मिले। यूएनओ के साथ हमने यूएनओ के साथ एक एमओयू किया है कि महिला की ट्रेनिंग अलग से, बच्चे नौजवान तो सब अपने ट्रेनिंग के लिए आगे आते हैं, लेकिन महिलाओं की ट्रेनिंग स्किलिंग ये अच्छी होता कि उनको रोजगार मिले, अपने परिवार को वो आगे ठीक से बढ़ा सकें। स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय ट्रैवलिंग में महिलाओं की सुरक्षा, इसके लिए मैंने प्रयत्न किए और एक सर्वे कराया। उस सर्वे में लगभग 500 रूट ऐसे हमको मिले हैं जहां अलग से महिलाओं की ये संख्या पर्याप्त है, जिसके अंदर रूट आज इसमें से 150 रूट हमने पिछले एक महीना पहले चालू कर दिए हैं कि महिलाओं को ट्रैवलिंग का, और हर बस के अंदर एक महिला सुरक्षाकर्मी ये अवश्य होगी, तो इसलिए इसके ऊपर भी हमने इस काम को किया है। रेप्स के ऊपर जब शिकायत मिली कि बच्चियों के साथ रेप होता है, तो घिनौना कार्य, इसको कैसे रोकना, सबसे पहले हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने 12 साल तक की बच्चियों के, यानी बच्चियों के साथ रेप अगर होता है, उसे दोता है, तो उसको फांसी की सजा, कैपिटल पुनिशमेंट दी जाए। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने हमने पास किया, बाद में तो सेंटर ने भी उसको पास कर दिया, सारे देश में भी लागू हो गया है। बहुत ऐसे प्रावधान किए गए हैं, उनकी संख्या बड़ी है, अगर सूची पढ़ेंगे तो इसके अंदर महिलाओं के थाने की बात मैंने बताई, हेल्पलाइन है, दुर्गा शक्ति है, फिर इसमें सार्वजनिक स्थानों के ऊपर ऑपरेशन दुर्गा का हमने जो कार्यक्रम चलाया, महिला पुलिस दिवस के ऊपर महिलाओं को एक विशेष पुरस्कार, महिला सर्वोत्तम सेवा मेडल, इसको चलाने की हमने बात कही। इसी प्रकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इनकी भी हमने संख्या बढ़ाई है, 2 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरास इन 5 सालों में लगाए गए हैं, और 1 लाख अभी हमने पुलिस विभाग को आह्वान किया कि वो जनता के सहयोग से और पुलिस के विभाग के माध्यम से भी 1 लाख सीसीटीवी कैमरा और इसमें लगाए जाए, और जल्दी उसको यानी किसी भी इन्वेस्टिगेशन में टाइम ज़्यादा न लगे, और उसका जो निर्णय है वो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये जैसे कहा जाता है, तो उस नाते से 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन से महिला के खिलाफ जो अपराध है या रेप का केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, और स्पेशल कोर्ट्स जो एक प्रकार से जो रेप्स के अगेंस्ट जितने भी ऐसे विषय हैं, तो ऐसे विषयों पर 6 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमने बनाए, ताकि जल्दी से उसका निर्णय लोगों को होना चाहिए, मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा विषय है कि इन सब रोकथाम के विषयों के साथ साथ जनता में एक भाव जागृत करना, और जनता का जो भाव जागृत तब करेंगे कि आखिर महिला पुरुष का संबंध, ये एक सामाजिक एक ताना बाना, इसमें एक जागृति जरूर पैदा करनी चाहिए कि महिला मेरी, यानी कोई ऐसा नहीं है कि शारीरिक कोई संतुष्टि के नाते से हम लोगों को आपस में कोई संबंध बनाने से, जोर जबरदस्ती करने से, आखिर हमारा एक विवाह एक संस्था है, विवाह संस्था के माध्यम से समाज ने बड़ी एक पुरानी एक व्यवस्था को आज तक बना के रखा हुआ, बचा के रखा हुआ है, लेकिन महिलाओं में आपस में संबंध यानी भाईचारा, भाई और बहन का रिश्ता, ये हमारे समाज का एक सूत्र होता था, जिसमें से महिला और पुरुष ये आपस में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान का भाव रखते थे, वो कहीं लैक कर रहा है। और हमने तो अपने यहाँ महिला को माँ माना है, और महिला की यानी पूजा की है, दुर्गा माना है हमने, तो इसीलिए कि महिला के प्रति मन में जो भाव है समाज के, वो मातृभाव बने, वो बहन और भाई का एक रिश्ता बने। और इसमें से हरियाणा बहुत चीज़ों की मान्यता को आज भी मानता है, हालांकि कहीं ना कहीं एक संवैधानिक तौर के ऊपर कुछ चीज़ों का एक टकराव ये जरूर दिखता है, लेकिन उसके ऊपर जन जागरण हमको करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ खाप पंचायत को बदनाम किया गया, बहुत से ऐसे विरोधाभासी विचार इस बारे में आते रहे, लेकिन खाप का एक सूत्र जो मुझे ध्यान में आया, उनका कि एक गांव के अंदर जो कहते हैं कि सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया कि सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, गांव के गांव में शादी न करें, इसका अर्थ यह है कि गांव के अंदर बच्चों में ही शिक्षा दी जाती है कि भाई बहन का भाईचारा ये बना रहे,
गुजरात एक ऐसी स्टेट है, उस स्टेट में हर लड़की और महिला उसके नाम के आगे क्या लगता है, बहन लगता है, और हर पुरुष और लड़के के नाम के आगे भाई लगता है। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने सामाजिक अपनी परंपरा बना रखी है। हम भी यानी स्वामी विवेकानंद का वो विचार हम उठा करके देखे, जब अमेरिका में शिकागो में उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने भाषण में पहला जो संबोधन किया था, माय डियर अमेरिकन क्या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसी के ऊपर क्लैपिंग हुई। अब ये उनको कल्पना कभी थी नहीं कि कोई एक इतनी दूर से एक व्यक्ति आकर के अपने अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके संबोधित करेगा। तो उस भाव को भी जागृत रखना ये हमारा काम है, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसमें उसमें कम ना कम मन में सोच अगर ऐसा आता है कि नहीं मेरा जो मेरा जो विचार है वो मन में अगर ठीक है, तो गलत दृष्टि से किसी महिला को, किसी बच्चे को, लड़की को देखने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। कोर्सिव मेथड पनिशमेंट ये कुछ लोगों को दी जा सकती है, लेकिन जब भाव ज़्यादा लोगों के मन में बुरा होता है तो इन चीज़ों से रुकता नहीं है। आज हम रेप की और महिला विरुद्ध अपराध की जो घटनाएं देखते हैं, जो इसी NCRB की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि 93% ऑफ दीज क्राइम्स दे आर बिटवीन नोन्स, जिसमें हाफ मोर देन हाफ इज बिटवीन रिलेटिव्स। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए तो जन जागरण ही संभव है। आप पुलिस के द्वारा इतने सारे मैयस ऐसे नहीं ले सकते कि रिश्तेदारों के बीच में, परिवार के अंदर, हम हर घर में पुलिस बैठा सकें, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं सभी खास करके NGOs के हमारे जो यहाँ लोग बैठे हैं, जन जागरण की दृष्टि से इन सारे सिस्टम्स पर आगे बढ़ें। और इसमें जो कई बार विचार ये आ जाता है कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, संविधान ने अधिकार दिया है, कोई किसी से भी शादी करे, कोई कुछ भी करे, लिव इन रिलेशनशिप, ये वो ये सब, ऐसे सिस्टम्स पाश्चात्य जगत में हो सकते हैं। भारत के लिए जैसा बताया, हर देश का अपना एक विचार होता है, वातावरण होता है, संस्कृति होती है, संस्कार होता है, तो संस्कृति और संस्कार के हिसाब से अपने देश में ये जो भाई और बहन का रिश्ता, मातृत्व का जो एक यानी नारी के प्रति जो सोच, उसके अंदर हमारे यहाँ श्लोकों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहीं वास करते हैं। तो इस भाव को मन में लेकर के जो करेंगे तो ये काम केवल बुद्धि से करने का नहीं है, मन और आत्मा से करने का है। तो इसलिए एक संवेदनशीलता अगर हमारे मन में आती है तो हम इन चीज़ों पर यानी रोक पाएंगे, महिलाओं के या बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होता है इसको हम रोक पाएंगे। और इस बात को यदि हम अपने विचार में ला सके, अपनी चर्चा में, और इसको यदि लगता है कि ये उचित भाव है तो इस पर जरूर विचार करें। और आज के सेमिनार के अंदर आप इन बातों पर जितना विचार करेंगे, और हरियाणा तो निश्चित रूप से कुछ व्यवस्थाएं आगे बढ़ा रहा है, हरियाणा में व्यवस्थाएं जो बनाएंगे उसके लिए देश में भी हम इसका एक मैसेज दे सकें, ताकि इन समस्या के ऊपर हम हल पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।